कैसा रे तू परदेसी स्क्वाड, क्या चल रे लाए भाई, क्या चल रे? अरे अपुन ने कहा ना नो डिस्टर्बिंग, अपुन व्लॉग कर रहे हैं भाई। क्या उसने अपुन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? ठोक डाल साले को। अरे आप लोग क्यों डर रहे हैं, आपने तो सब्सक्राइब किया हुआ है है ना? सब्सक्राइब। आज हम बहुत खुश हैं रे भाई, क्योंकि आज हम गेमिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो बचपन से लेके अब तक जितनी भी गेमिंग कॉन्सोल्स मैंने खेली हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा भाई का वेरी फर्स्ट VR गेमिंग एक्सपीरियंस। इधर भाग भाग। गंदा पानी। ओ पैंस की आंख। उठ के नाश्ता हूँ आप पैंस। नो नो आई वुडंट। नहीं यहाँ पे कुछ है, ये ऊपर देख, ऊपर देख पीछे। हाँ ये तो देख। अरे रुक रुक रुक, मैं टट्टी है, टट्टी है, मुझे टट्टी है। और जैसे आपने देखा भाई की तो फटके हाथ में आ गई, इतनी रियलिज्म फीलिंग आती है कि बंदे को लगता है कि आप वाकई उधर ही खड़े। ओके जी, तो अब बात करते हैं मेरी गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में। सो शुरू करते हैं बचपन से, और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने भी उसमें से कुछ गेम्स खेली हैं, क्योंकि कुछ गेम्स काफी पुरानी है और हो सकता है कि आपके जमण से पहले ही वो गेम्स इस दुनिया में आई। सो द वेरी फर्स्ट गेमिंग कंसोल जो मेरे पास थी, मास्टर सिस्टम। मास्टर सिस्टम में जो बिल्ट इन गेम थी उसका नाम था एलेक्स किड। बहुत मजेदार गेम थी और आज तक इट्स अ लेजेंडरी गेम कि आपको सिर्फ वन लाइफ लाइन मिलती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने गेम बहुत दफा कंप्लीट की है। उस कंसोल के बाद मेरे पास थी सेगा मेगा ड्राइव, जो कि बहुत ही पॉपुलर थी अपने जमाने में। और इस पे मैंने जो गेम्स खेली हैं वो है मोर्टल कॉम्बैट, जो मेरी अल्टीमेट फेवरेट थी, स्ट्रीट्स ऑफ रेज, रोड रैश 2 और सोनिक द हेडजॉग। और उस कॉन्सोल के बाद मेरे पास आया सुपर निंटेंडो, जो कि सेगा मेगा ड्राइव के मुकाबले पे आई थी और उसको ओवरटेक कर गई। और उस पे जो मैंने गेम्स खेली हैं वो है सुपर मारियो कार्ट, डोंकी कॉन्ग एंड द लेजेंडरी स्ट्रीट फाइटर। और मुझे याद है कि उसी दौरान निंटेंडो वालों ने एक छोटा गेम बॉय भी निकाला था जो कि बहुत चला था, और इस पे 2D ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स चलती थी और वो हर बच्चे के पास था। और उसके बाद जो आया ना वो था गेम चेंजर, और वो था प्लेस्टेशन 1। जब ये गेमिंग कॉन्सोल आया ना तो भाई सबकी फट गई। और इस पे जो मैंने गेम्स खेली हैं वो है लारा क्रॉफ्ट टॉम्ब रेडर, टेकन 3, क्रैश बैंडिकूट 2, रेजिडेंट इविल 2, ग्रैंड टूरिज्मो एंड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। उसके बाद आया निंटेंडो 64, जो कि मेरे पास नहीं थी लेकिन मेरे दोस्तों के पास थी, और वो भी मार्केट में काफी चली। सो प्लेस्टेशन 1 के सक्सेस के बाद सोनी ने निकाला प्लेस्टेशन 2, और इस पे गेमिंग ग्राफिक्स जो है बेहतर किए गए थे और गेमिंग कंसोल को भी ज्यादा स्टाइलिश किया गया। इट वाज लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट गेमिंग एक्सपीरियंस। और इस पे जो मैंने गेम्स खेली हैं वो है प्रो एवोल्यूशन सॉकर, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, WWE स्मैकडाउन। और इसके बाद सोनी ने मेरा फेवरेट गेमिंग कंसोल निकाला और वो है प्लेस्टेशन 3। प्लेस्टेशन 3 इज माय अल्टीमेट फेवरेट गेमिंग कंसोल। इस पे मैंने बहुत ज्यादा गेम्स खेली हैं, लेकिन ज्यादातर जो खेली है वो है रेड डेड रिडेम्पशन, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड प्रो एवोल्यूशन सॉकर। इट्स थ्रू
आधे मेरे दोस्त प्रो एवोल्यूशन खेलते थे और आधे मेरे दोस्त फीफा खेलते थे, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर्ड प्रो एवोल्यूशन। फीफा जो है बहुत अच्छी गेम है, मैं अभी भी खेलता हूँ, लेकिन आई फील कि एक टास्क की तरह खेलना पड़ता है और आप उसको आर्केड की तरह एंजॉय नहीं कर सकते। और जो प्रो एवोल्यूशन सॉकर थी वो बहुत फन था, बहुत ईजी था और बहुत इंटरटेनिंग था। प्लेस्टेशन के मुकाबले में आया था एक्सबॉक्स 360 और मार्केट में इन दोनों का बहुत ज़्यादा मुकाबला था। फिर आया जी सोनी का प्लेस्टेशन 4 और फिर उस वक्त आपके भाई के ऊपर काम और जिम्मेदारियां आ गईं और गेमिंग जो है मेरी ज़िंदगी से पुर हो गई। सो बीइंग ऑनेस्ट प्लेस्टेशन 4 मैंने बहुत कम खेली है अपार्ट फ्रॉम स्पाइडरमैन एंड आई थिंक फीफा। और अब जो है प्लेस्टेशन 5 भी आ गया है तो अब भाई सोच रहा है कि गेमिंग में वापस आया जाए। और आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर मैं गेमिंग में वापस आया तो मुझे एक सेपरेट चैनल बनाना चाहिए फॉर गेमिंग या इसी चैनल पर गेमिंग का कॉन्टेंट चाड़ू, लेट मी नो। और आजकल की गेमिंग टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इट्स अनबिलीवेबल, यहां तक कि आपके मोबाइल में भी अमेजिंग गेमिंग टेक्नोलॉजी आ गई। एंड वन ऑफ द गुड गेम्स आई प्लेड ऑन अ मोबाइल फोन इज फ्री फायर। फ्री फायर जो है एक बहुत ही मजेदार गेम है और उनके एक शॉर्ट फिल्म में मैंने मिस्टर बीनी का एक कैरेक्टर भी अदा किया है। यार तीन उंगलियों के साथ तो क्या फीलिंग आती है। ओके रोल कैमरा एंड एक्शन, एक्शन एंड एक्शन, एक्शन रोल कैमरा एंड एक्शन, सेवन एंड एक्शन। Hi. So how is your experience going so far? It is very nice. We are having fun. सच बताएं तो नहीं। So guys अब मेरा होने लगा है फोटो शूट। गाइस जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फ्री फायर वालों ने एक न्यू एंथम सॉन्ग निकाला है जो कि कमाल है और वो गाया है उमेर जसवाल ने। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। और फ्री फायर पाकिस्तान लीग के मैचेस 21 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, आप उनके फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। और हाँ 10 अक्टूबर को फ्री फायर का ग्रैंड फिनाले भी आने वाला है। सो गाइस लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग, स्टे ट्यून्ड और मैं आपको मजीद अपडेट्स देता रहूंगा। अल्लाह हाफिज़। Free Fire Esports Pakistan के YouTube चैनल पर।